Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपको बता दूं कि जो नाना पटोले हैं बीजेपी के सांसद, महाराष्ट्र के बीजेपी की सदस्यता और लोकसभा से इस्तीफा दे चुके नाना पटोले अहमदाबाद में 11 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली में उनके साथ मंच साझा करेंगे। कांग्रेस के एक नेता ने शुक्रवार 8 दिसंबर को यह जानकारी दी है। कांग्रेस के महाराष्ट्र राज्य प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि वे शुक्रवार को पटोले से मिले और किसानों के लिए संघर्ष करने पर उन्हें बधाई दी। नाना पटोले ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि बीजेपी नेतृत्व किसानों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। नाना पटोले, आपको बता दूं कि नाना पटोले वही है सांसद हैं जो जिन्होंने अभी बीते दिनों बीजेपी से इस्तीफा दिया है और उन्होंने असंतोष जताया था कि प्रधानमंत्री मोदी हैं वो किसानों की जो बात तो करते हैं लेकिन किसानों के लिए वो करते कुछ नहीं है। क्योंकि अभी देखने को मिला था कि महाराष्ट्र के कई किसानों ने एक विशाल धरना दिया था जिसमें यशवंत सिन्हा जो है उन्होंने भी भूखे प्यासे बैठ करके किसानों का साथ दिया था। और नाना पटोले कहते हैं कि वो खुद एक किसान हैं, वो किसान के बेटे हैं और वो किसानों की समस्याओं को अच्छी तरीके से अपने दिल में संजो सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन मैंने प्रधानमंत्री मोदी से कई बार किसानों के पक्ष में किसानों की नीतियों को लेकर के बात करनी चाहिए लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई साफ रुख नहीं दिया बल्कि वो नाराज हो जाते थे मुझसे। इसी चीज को लेकर के, इसी नीतियों को लेकर के वो नाखुश थे और नाना पटोले ने बीजेपी जो लोकसभा से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि बीजेपी के लिए वो साबित हो रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी थी जहां पानी कम था। लेकिन ये साफ रुख है बीजेपी के लिए कि बीजेपी को जिस तरीके से नाना पटोले ने क्षति दी है। लेकिन दूसरी ओर वहीं बताया जा रहा है, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि नाना पटोले ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है उससे बीजेपी को कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, महाराष्ट्र की भंडारा सीट से बीजेपी सांसद द्वारा पार्टी और लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में आए नाना पटोले के फैसले से जहाँ पार्टी की साख को नुकसान होने का दावा किया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के महासमुंद सांसद और नाना पटोले के मित्र चंदूलाल साहू ने उनके फैसले से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने का दावा किया है। महासमुंद सांसद चंदूलाल साहू ने कहा है कि बीजेपी कैडर वाली पार्टी है, यहाँ सभी नेता और कार्यकर्ता मिलकर काम करते हैं, इसमें जो कार्यकर्ता अच्छा काम करता है पार्टी उसे आगे बढ़ने का मौका देती है, पार्टी से बाहर होने पर कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए नाना पटोले के फैसले से या उनके द्वारा पीएम पर आरोप लगाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहीं सांसद चंदूलाल साहू ने मुख्यमंत्री द्वारा मरवाही में दिए गए उस स्टेटमेंट को भी मानने से इनकार कर दिया है। आपको बता दूं कि बीजेपी नेताओं का भी मानना है कि नाना पटोले ने जो इस्तीफा दिया है बीजेपी से उससे बीजेपी को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, उनका साफ रुख है इस चीज से। और लेकिन जिस तरीके से नाना पटोले राहुल गांधी के साथ अहमदाबाद में रैली करने वाले हैं, क्या गुजरात चुनाव के लिए नाना पटोले बड़ा हथियार साबित हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? क्योंकि कांग्रेस तो आपको मैं बता दूं, कांग्रेस तो सिर्फ निशाने पर लेके बैठी है कि कहीं भी बीजेपी की डोर हल्की हो। और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की अगर जरा सी भी कोई अगर गड़बड़ी होती है उसको लेकर के पूरा तूल पकड़ा देते हैं और गुजरात की जनता के बीच पूरे डंके की चोट पर बोलते हैं कि कांग्रेस ने इस तरीके का जो रवैया है कांग्रेस का वो कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। और जिस तरीके से मणिशंकर के शब्दों को लेकर के जो तूल पकड़ा है और उसको लेकर के इतना तूल पकड़ा है कि गुजरात की जनता के बीच जो विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए थी
वो बयानों की बात हो रही है, धर्म को लेकर बात हो रही है, मंदिरों को लेकर बात हो रही है, लेकिन मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि नाना पटोले का जो इस्तीफा है, और नाना पटोले सिर्फ बीजेपी के लिए एक अड़चन पैदा नहीं कर सकते, अड़चन पैदा कर सकते हैं वो भी लोग भीतर घात, कहते हैं कि भीतर घात पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर अमित शाह ने या नरेंद्र मोदी ने जो नए चेहरों को चुना है गुजरात के अंदर, और जो पुराने चेहरे थे, क्या वो बीजेपी पार्टी को भीतर घात कर सकते हैं? और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो समस्याएं होती हैं उसमें जो भीतर घात करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिनको टिकट नहीं दिया है वो बीजेपी पुराने कार्यकर्ता है, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, तब बीजेपी के लोग या बीजेपी से जुड़े लोग भीतर घात करते हैं। और भीतर घात को लेकर हर पार्टी में होता है, चाहे कांग्रेस हो, उसमें भी भीतर घात के बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि जिनको टिकट नहीं दिया है वो भीतर घात कर सकते हैं। बीजेपी में भी यही समस्या है कि वो भी जो बीजेपी के लोग हैं जिनको टिकट नहीं दिया है वो भी भीतर घात कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि नाना पटोले जैसे जो नेता है वो बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में आज बताया जा रहा है कि आज राहुल गांधी के साथ नाना पाटोलकर भी हुंकार भरेंगे रैली में, लेकिन नाना पाटोलकर क्या मोदी की फजीहत करने में कामयाब होंगे? क्योंकि वो अगर स्पीच देंगे तो जो गुजरात की जनता के बीच वो बात रखेंगे कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से किसानों के लिए बात की, मैंने प्रधानमंत्री मोदी के से बीजेपी के रवैये के लेके बात की, मैंने नीतियों को लेके बात की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी एक भी नहीं सुनी। और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर नाना पटोले को लेकर के कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है कि अगर नाना पटोले उनके खेमे में उनके साथ प्रचार करते हैं तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक टूल पकड़ाएंगे मामले को, क्योंकि वो कहेंगे कि जब बीजेपी के नेता ही बीजेपी से खुश नहीं है, बीजेपी की नीतियों से खुश नहीं है, तो गुजरात की जनता के बीच जनता कैसे खुश होगी बीजेपी से, अगर सरकार बीजेपी की आ जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जोर शोर से लगे हुए, राहुल गांधी गुजरात की जनता के बीच जोर शोर से लगे हुए, और रैलियों का जो सिलसिला चल रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे चरण का मतदान भी शुरू होने वाला है, और मतदान से पहले रैलियां भी समाप्त होने के कगार पर है, और अगर गुजरात की जनता के बीच जितना तूल पकड़ा करके चाहे किसी मुद्दे को लेकर के हो, और प्रधानमंत्री मोदी ने तो हद कर रखी है, क्योंकि कोई सा मुद्दा उठाया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उसको इतना खींचा ताना जाता है कि अगर जनता कुछ गड़बड़ ना कुछ उल्टा सीधा अगर कांग्रेस की तरफ ना सोचती हो तो और भी सोचने लगे, लेकिन गुजरात की जनता, देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, और वहीं राहुल गांधी जो उपाध्यक्ष कांग्रेस के उपाध्यक्ष, उनकी भी ताजपोशी हो सकता है, एक दो दिन में ताजपोशी भी उनकी कर दी जाए, क्योंकि खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि जल्द से जल्द चुनाव से पहले या चुनाव, क्योंकि अभी भी खबरें बहुत पहले आई थी कि कहीं ना कहीं 19 दिसंबर तक राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाएगी, उसी को लेकर के खबरें बहुत सारी आई थी लेकिन अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन फिर से एक मसला गरमाया है कि उनकी ताजपोशी बहुत जल्द हो सकती है। गुजरात चुनाव से पहले अगर राहुल गांधी की ताजपोशी होती है तो शायद कांग्रेस को फायदा हो सकता है कि गुजरात के अंदर। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ताजपोशी गुजरात चुनाव के बाद भी तो हो सकती है, क्या ये गुजरात की जनता को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कांग्रेस वाले कि राहुल गांधी के हाथ में पूरी कमान है, अब आपको राहुल गांधी ही चलाएंगे पूरी कांग्रेस पार्टी को, और अगर कांग्रेस पार्टी को वो चला रहे हैं तो मतलब ये है कि वो उनकी सरकार गुजरात के अंदर आती है तो वही संभालेंगे। लेकिन एक बात यहाँ नागुजारा ये पूछती है कि पाटीदार जो नेता है वो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से हार्दिक पटेल ने कहा है कि अगर अच्छी तरीके अगर उनकी नीतियां या फिर राहुल गांधी से अगर मेरी बात बनती है या किसी मसले पर अच्छे से बात होती है या उनका रुख इस तरीके से देखा गया कि वो कहीं ना कहीं
हार्दिक पटेल को लेकर के बहुत अच्छी राजनीति करेंगे, तो हार्दिक पटेल ने भी संकेत दिए कि मैं कांग्रेस में शामिल हो सकता हूँ। लेकिन नाना पटेल पटोलेकर की अगर बात करें तो नाना पटोलकर कहीं ना कहीं गुजरात में राहुल गांधी के साथ मिलकर के प्रधानमंत्री मोदी के विपक्ष में खड़े होकर के हमला बोलेंगे, और हमला अगर बोलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री और बीजेपी पर भी निशाना साधेंगे उनकी नीतियों को लेकर के। अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।